हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, जो कि स्टूडेंट को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि कब कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है या फिर कब वो चीज़ रिडक्शन हो रही है, यानी कि रिड्यूस हो रही है। मेनली ये काम आता है जब आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये सब्सटेंस यानी रिएक्शन दे दी जाती है। मेनली आपको रिएक्शंस में पता करना होता है कि कब कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है या फिर रिड्यूस हो रही है। तो सभी को पता होगा थोड़ा बहुत कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखो, जब भी कोई चीज़ आप लेट सपोज के लिए आप क्या करते हो कि मान लीजिए कि आपने कोई फ्रूट खाया, ठीक है, आपने कोई फ्रूट खाया या फिर आपने कोई वेजिटेबल को काटा, ओके, या फिर आपने कोई भी चीज़ लेट सपोज कि पेपर हो गया, ओके, आप या फिर कोई मेटल हो सकता है, तो ये सब चीज़ें क्या है, आपने इसको फ्रूट जैसे छिलका फ्रूट का आप फेंक देते हो इधर उधर, या आप सेब को काट के कुछ टाइम के लिए रख देते हो, तो देखते होगा ना कि उसमें ब्राउन ब्राउन सी लेयर या फिर ब्राउन एक कलर दिखाई देता है। या वैसे वेजिटेबल्स के या फिर जैसे आप कोई भी वेजिटेबल हो सकता है, उसको काफ़ी टाइम के लिए आप एनवायरनमेंट में छोड़ देते हो तो वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है। वैसे ही पेपर है, तो पेपर को ऑक्सीडाइज होने के लिए उसमें मॉइस्चर भी चाहिए, पानी भी चाहिए और साथ में ऑक्सीजन भी चाहिए। वैसे ही मेटल है, जैसे आयरन को आप कुछ टाइम के लिए क्या कर दो कि एनवायरनमेंट में छोड़ दो जहाँ पे गीला मौसम हो, मॉइस्चर हो या फिर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस मतलब नॉर्मली एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, तो जिस भी चीज़ के साथ वो रिएक्ट होना रहेगा वो अपने आप ही रिएक्ट होती है। मतलब कि मेटल को पता होना है कि वो किसके साथ कंबाइन होना चाहती है, ये आप नहीं करते हो, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे कि आयरन में रस्ट लग जाता है, इट मींस वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, यानी कि वो ख़राब हो जाता है। यानी कि जिसके अंदर भी आपका क्या हो रहा है, जिसके अंदर भी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जिसके अंदर भी, ये प्लस का मतलब क्या है कि एडिशन, जिसमें भी आपका ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इट मींस दिस सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक और इसमें टर्म हम जोड़ सकते हैं कि ऑक्सीजन तो इसमें ऐड हो रही है तो हम उसको कहेंगे ऑक्सीडाइज हो रही है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि रिमूवल, यानी कि नेगेटिव साइन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम ए कंपाउंड और ए सब्सटेंस। मतलब कि यहाँ पर मैंने दो चीज़ लिखा है, देखो मैंने लिखा है कि एडिशन यानी कि जब मैं ऑक्सीजन को ऐड कर देता हूँ, और रिमूवल, नेगेटिव का मतलब यहाँ पर रिमूवल है, माइनस नहीं है, नेगेटिव का मतलब क्या है यहाँ पर, रिमूवल, यानी कि मैं किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, जब मैं किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर दे रहा हूँ तब मेरा ऑक्सीडेशन होता है, और सेम ये भी ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बन जाती है। क्लियर, ये तो हो गया हमारा किसका, ऑक्सीडेशन का, यानी कि ऑक्सीजन ऐड करना। रिपीट मेरे साथ रिपीट करिए, ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं किसी सब्सटेंस में या किसी एक कंपाउंड में, या फिर हाइड्रोजन को हम लोग हटा देते हैं किसी कंपाउंड में या किसी सब्सटेंस से, तब हमारा क्या हो कहलाता है वो, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर, रिडक्शन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस होता है। अपोजिट प्रोसेस का मतलब कि उसमें क्या होता है आपका, यहाँ देखिए, उसमें रिडक्शन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, प्लस यानी कि ऐड करते हैं, व्हाट ऐड करते हैं उसमें, हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसी कंपाउंड में, और नेगेटिव यानी कि रिमूवल करते हैं क्या, ऑक्सीजन गैस। तो अब ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा क्या, ये बना हमारा रिडक्शन। रिपीट करिए मेरे साथ, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही कन्फ्यूजन टॉपिक होता है, ये कन्फ्यूजियस टॉपिक होता है स्टूडेंट के लिए कि ऑक्सीडेशन कब हो रही है, रिडक्शन कब हो रही है। बहुत ही इजी है, इसको समझना बहुत आसान है, उतना ही आसान है जितना ये कन्फ्यूजन टॉपिक है। तो यहाँ पर प्लस का मतलब फिर से वही, मैं किसी सब्सटेंस में, रिपीट करिए मेरे साथ, किसी सब्सटेंस में मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया किसको, हाइड्रोजन गैस को, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या कर दिया, मैंने रिमूव कर दिया किसी से भी सब्सटेंस से, किसको रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन को, तो मेरी रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी।
ओके, तो रटना नहीं होता है कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसमें हाइड्रोजन हट गया, इसमें ऑक्सीजन फिर आ गया, उसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या होगा, रटोगे केमिस्ट्री तो फंसोगे। तो केमिस्ट्री को कभी भी रट के मत करना, केमिस्ट्री पूरी समझने की होती है, यानी कि पूरी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बेस पर होती है। तो कॉन्सेप्ट को आपको बना के चलना है, ऐसा ना हो कि कोई टीचर आपसे बोले कि आप किस टीचर से पढ़ के आए। कोई भी टीचर बोल सकता है कि आपने 9th में क्या किया, 8th में क्या किया, किस टीचर ने पढ़ाया है, ठीक है। तो उन टीचरों की भी रेस्पेक्ट करते हुए आपको आगे टीचर की भी रेस्पेक्ट करनी है अपने, जो पढ़ाने वाला है, 11th में पढ़ाने वाले हैं, 12th में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो अपना जो होता है ना, क्या बोलते हैं, अपना आपको क्या करना है, बेस को। और बहुत बच्चे सोचते हैं ये बेस कॉन्सेप्ट क्या करना है, बना के हमें क्या ज़रूरत है। बाद में वही बच्चे फिर 11th एंड 12th केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या फिर 11th 12th फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होती है। और बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होती है तो इरिटेशन होने लग जाती है। अब जब कोई चीज़ में इरिटेशन होती है ना, तो वो हमें बिल्कुल भी करने का मन नहीं करता। हम सोचते हैं या तो उसको छोड़ ही दें, या तो उस फील्ड से ही हट जाएं हम। क्लियर, ये बात होती है। तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है, बेस मजबूत करना है, कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, इसमें मैं आपको एकदम फाउंडेशन जो होता है ना, एकदम बेस नीचे से नींव मजबूत करके चलेंगे हम, ताकि आपको एक एक चीज़, मैं यहाँ रटाने वाला काम नहीं करूँगा आपको, या फिर बहुत लेंदी कोई चीज़ लिख दिया, पैराग्राफ लेके बैठ गया और उसी में से पढ़ पढ़ के बताऊँगा। मैं आपको शॉर्ट में सब चीज़ें समझाऊँगा, बट एक्सप्लेनेशन पूरी होगी उसमें। क्लियर, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब बोलेंगे सर इसकी डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन एक्चुअली बच्चों बुक के अंदर ऑलरेडी गिवन है, आप डेफिनेशन उसमें से लिख सकते हो, मैडम भी नोट्स बनवाती है, नोट्स कहीं से भी छाप सकते हो आप, लेकिन अपने नोट्स भी बनाए, मैंने इस पे वीडियो भी अपलोड किया कि नोट्स बनाने के फ़ायदे क्या होते हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पर देखो कितना सिंपल में मैंने लिख दिया है, और आंसर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसको टू द पॉइंट्स में लिखिए, कहानी मत बनाइए साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, टू द पॉइंट आंसर लिखिए, आपको बिल्कुल नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का मतलब एडिशन, ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में ऐड कर दिया, इट मींस दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर हाइड्रोजन गैस हटा दी किसी सब्सटेंस से, तो हमारा क्या हो गया, दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है यहाँ पर। और रिडक्शन क्या हो गया, इसका जस्ट अपोजिट, उसमें मैं किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को ऐड कर दूंगा और ऑक्सीजन को हटा दूंगा। यहाँ पर मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, देखो रिएक्शन से और अच्छा समझ आएगा आपको, बहुत अच्छा है, एक रिएक्शन देखते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए दिस इज CuO, व्हाट इज दिस नेम बताओ, इसका क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। अगर आपको बहुत फास्ट सीखना है तो वीडियो को यूट्यूब में आप इंक्रीज कर सकते हो, 1.5 to 2 गुना स्पीड बढ़ा सकते हो। कॉपर ऑक्साइड को मैंने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को क्या किया, मैंने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तब मुझे क्या मिला, तब मुझे मिला कॉपर, और हीट किया है, ओके, क्या किया, हीट किया है, तो जो ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होगी वो किस में आ गई, हाइड्रोजन गैस के साथ आ गई है। क्लियर, ये दिस इज कॉल्ड, दिस इज हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, दिस इज ओनली कॉपर एंड दिस इज वाटर, ठीक है। अब बताइए कि, और पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि ऑक्सीडेशन आप ये क्या कहलाता है, इधर वाले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या होते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, रिएक्टेंट्स। और इधर वाले जो बनते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड में, ये क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट, क्या होता है, प्रोडक्ट्स। तो हमें क्या पहचानना है, हमें पहचानना है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर देखिए ये जो LHS में था, यानी रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड था, और ये प्रोडक्ट में जाके ये सिर्फ कॉपर रह जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें से हट जा रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, बिकॉज मैंने क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस, रिड्यूस्ड टू किसमें, ओनली कॉपर में। देखो कॉपर ऑक्साइड था,
वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो वो सिर्फ क्या रह गया, कॉपर। यार राइट हैंड साइड में देखो कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड क्या काम कर रहा है यहाँ पर, रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का क्या क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिपीट करिए, कॉपर ऑक्साइड इज बींग रिड्यूस्ड एंड इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे इस तरीके से, आप एरो बना के भी लिख सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे देख के आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है और क्या रिएक्शन हो बन रही है, रिडक्शन रिएक्शन बन रही है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन बन रही है। अब देखिए यहीं पे सेम ये वाला हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन में आप देखिए, हाइड्रोजन में यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन इसमें एक ऐड हो जा रही है, इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन गैस क्या करोगे, ऑक्सीडाइज्ड। ओके, हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज्ड टू किस में, H2O में। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि एक सेकेंड, इस तरीके से देखिए, इस रिएक्शन को मैं यहाँ फिर से लिख ले रहा हूँ छोटी सी, CuO plus H2 gives what? Cu and plus H2O, ओके okay? ये है मेरा, तो ये जो है ये रिएक्शन क्या हो रही है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या हो रही है बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन। और ये जो हो रही है ये क्या हो रही है बच्चों, ये हो रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, जब इस तरीके का आपको रिएक्शन मिले जिसके अंदर रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, तो उन दोनों रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि उसमें RED का मतलब होता है रिडक्शन ये, और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। जब दोनों ही एक साथ हो रहे हों, साइमल्टेनियस एक साथ दोनों ही हो रहे हैं, यानी कि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तब हम उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप स्टूडेंट आपको ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंप्लीट समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो वीडियो को शेयर तो ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट एंड माई डियर फ्रेंड्स, एंड टेक केयर।